Hello everyone, my name is Shahir Mukhtar and in today's video I'll be talking about what happens if you fail a subject in Canada, either in university or college. So if you are someone who does not understand Urdu, because this video will be in Urdu, so you can always read out the description below in the video. Thank you. I'm Shahir Mukhtar hai aur aaj ki is video mein main aap logon ko ye bataunga ki agar aap log Canada aate hain aur yahan par kisi university ya college mein fail ho jate hain to kya hoga, क्या फ़ीस होगी, कितने साल ज़ाया होंगे, कौन से एग्ज़ाम्स दोबारा देने पड़ेंगे, क्या तरीका होगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि फ़ेल होता कौन है। लेट्स अज्यूम पासिंग मार्क्स आर 55, तो कोई भी स्टूडेंट जिसके बिलो 55 नंबर होंगे वो फेल कंसिडर होगा। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का मतलब होता है सेकेंड चांस। अगर पासिंग मार्क्स जो हैं वो 55 हैं आउट ऑफ 100 और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो हैं जी 52, तो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो है वो एक सप्लीमेंट्री रेंज होती है। अब मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, मेरा कॉलेज जो है वो कॉनिस्टोगा है और यहाँ पर जो रेंज है वो इस तरह है कि अगर आप लोगों के मार्क्स 50 से अबव हैं और 55 से बिलो हैं तो आप लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का मतलब सेकेंड चांस, मतलब आप लोग थोड़े से पैसे और देकर, थोड़े से पैसों का मतलब $50 और $100 एट मैक्स, आप लोग वो देकर तो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आप लोगों ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आप लोगों के नंबर आए 90 out of 100, सो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में मैक्सिमम ग्रेड जो होता है वो आप लोगों का उस रेगुलर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स कंसिडर होते हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये कि अगर आपने 90 नंबर लिए हैं आउट ऑफ 100 इन सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और आपके उसी कोर्स में जो पासिंग मार्क्स है वो 55 हैं, तो आप लोगों के जो सप्लीमेंट्री का ग्रेड है वो ऑटोमेटिकली पासिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पासिंग से ज़्यादा आप लोग सप्लीमेंट्री में नहीं ले सकते। सप्लीमेंट्री बेसिकली होता ही पास होने के लिए सिर्फ, लेकिन अगर आपके मार्क्स जो हैं वो बिलो 50 आ गए हैं, सप्लीमेंट्री की रेंज में भी नहीं आए, तो फिर आप लोगों को पूरा कोर्स ही दोबारा करना पड़ता है। आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, कोर्स भी दोबारा करना पड़ेगा आपको। होता ऐसे है, क्राइटेरिया ये होता है कि जब आप लोग दोबारा कोर्स करते हैं पूरा, तो आप लोगों को फ़ीस भी पूरी देनी पड़ती है उस पूरे सेमेस्टर की, बेस्ड ऑन के कितने क्रेडिट आवर्स हैं उसके। अगर क्रेडिट आवर्स जो हैं वो आपके हैं जी लेट्स अज्यूम 3, तो उस लिहाज से फ़ीस होती है। हर क्रेडिट आवर की जो है वो फ़ीस होती है, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये चीज़ वेरी करती है। मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में वो फेल हुए थे और रिपीट किया था, और उन लोगों ने 3000 दिया था उसका, उस सब्जेक्ट का, लाइक एक सब्जेक्ट को रिपीट करने का। अब रिपीट करने के भी क्राइटेरिया ये होता है कि वो सब्जेक्ट दोबारा ऑफ़र हो भी रहा है कि नहीं। अगर आप अकेले हैं जो फेल हुए हैं तो मे बी वो लोग वो सब्जेक्ट ऑफ़र करें ही ना दोबारा, और उस केस में क्या होता है कि फिर आपको अगले बैच का वेट करना पड़ता है और उस बैच के साथ आप लोगों को वो पेपर और वो कोर्स दोबारा करना पड़ता है। और अगर आप ऐसे हैं कि क्लास में कोई 10-15 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं किसी स्पेसिफिक कोर्स में, तो कॉलेज जो है वो या यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करते हैं, वो लोग वो कोर्स को दोबारा उसी सेमेस्टर में कर देते हैं इशू, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप दोबारा वो करके पास होकर आप लोग दोबारा मूव ऑन कर सकें। अब यहाँ पर एक टर्म होती है, उसे कहते हैं प्री रिक्वेजाइट। प्री रिक्वेजाइट का मतलब यह होता है कि अगर आप लोग एक सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स फॉर एग्जाम्पल, और आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एडवांस इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो है वो एडवांस इकोनॉमिक्स का प्री रिक्वेजाइट है। प्री रिक्वेजाइट का मतलब यह है कि जब तक आप लोग इकोनॉमिक्स नहीं कर लेते, आप लोग एडवांस इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज का क्राइटेरिया होता है। ये आप लोग जब भी कोर्स अपना कोई भी ले रहे हों तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स किसका प्री रिक्वेजाइट है। और होता ऐसे है कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में फेल हो गए हैं तो आप एडवांस इकोनॉमिक्स नहीं कर सकेंगे, और जब तक आप लोग इकोनॉमिक्स क्लियर नहीं कर लेंगे आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव नहीं हो सकेंगे। मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप मूव हो जाएंगे, आप बाकी कोर्सेज कर सकेंगे, लेकिन एडवांस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने उसके प्री रिक्वेजाइट कंप्लीट नहीं किए हुए। तो जब भी आप लोग अपने कोर्सेज चूज़ करें तो देखें, मेक श्योर करें कि आप जिस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका कोई अगर प्री रिक्वेजाइट है तो मेक श्योर करें उससे पिछले सेमेस्टर में आप उसका प्री रिक्वेजाइट क्लियर कर करें। ऐसा ना हो कि आपने सब्जेक्ट्स वो वाले किए ही ना हो जो नेक्स्ट सेमेस्टर के प्री रिक्वेजाइट हों और आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वो कोर्स उठाने को टाइम ना मिले या वो लोग उठाने ना दें आप लोगों को। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, इसकी फ़ीस जो है वो 40 या $100 होती है, लेकिन जो एग्ज़ाम या कोर्स पूरा करने की जो फ़ीस होती है वो बेस्ड ऑन क्रेडिट आवर्स 2 or 3000 मैक्स लाइक 4000 तक हो सकती है, बेस्ड ऑन आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सा है। मैं जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं अपने कॉलेज के मुताबिक दे रहा हूँ। मेरा कॉलेज है कॉनिस्टोगा कॉलेज और यहाँ पर जो है वो ये क्राइटेरिया है। पासिंग मार्क्स जो हैं वो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वेरी कर सकते हैं। मैं अपने अगर कॉलेज की बात करूँ यहाँ पर 55 हैं, और कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर पासिंग मार्क्स जो हैं वो 60, 65, 70 तक भी जाते हैं। तो अगर आप लोगों के पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर आप लोग उनकी ये भी देख लें कि उनकी सप्लीमेंट्री रेंज क्या है। आप लोग मेक श्योर करें अगर पास नहीं हो पा रहे तो सप्लीमेंट्री में ऑलमोस्ट फॉल कर लें, ताकि आप लोग सेकंड चांस आपको मिले और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। बाज़ औक़ात क्या होता है आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और आपको सब्जेक्ट फिर उठा नहीं पा रहे होते, क्यों? क्योंकि वो ऑफ़र नहीं हो रहा होता। अगर वो ऑफ़र नहीं हो रहा होता
और आप लोगों को फिर अगले बैच का वेट करना पड़ता है। वो कोर्स दोबारा जब आप उठाते हैं, क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, आपका स्टडी परमिट लेट हो जाता है, आपको स्टडी परमिट को एक्सटेंड करवाना पड़ता है, फिर आपको वर्क परमिट लेट मिलता है, फिर आपकी पीयर लेट हो जाती है। तो ये सारी साइकिल है जो सारा कुछ ख़राब हो जाता है। तो ये सारी वो बेसिक्स हैं जो आपको कोर्स चूज़ करने से पहले और जो आपको सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स उठाने से पहले पता होने चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप लोगों को कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप चाह रहे हैं मैं कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।